पर अभी हम लोग नहीं कहेंगे, तो कह दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा जी को जो सीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही सीट लेने की बात हम लोग करेंगे, कम की बात करेंगे। अगर समझ लीजिए, अगर कम मिलता है तो आप विकल्प देखेंगे, उस विकल्प पर बात होगी, विकल्प पर बात होगी। तो यहाँ तो दो ही विकल्प है ना, एनडीए या फिर महागठबंधन, वो एक अलग बात है। विकल्प खुला है ना माजी जी, विकल्प महागठबंधन में हम लोग हैं तो विकल्प की बात है। अगर कम हो जाएगी तो विकल्प खुला है, विकल्प का विकल्प है, विकल्प है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन के लिए बात करेंगे, यही तो विकल्प है। क्या कुछ बातचीत हुई है एनडीए के नेताओं से आपकी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, नेता से बात क्या होना है। भूषण पटेल कहते हैं कि आप एनडीए की तरफ आपका रुझान है, यही तो उनकी गलतफहमी है, और शायद वे गलतफहमी के शिकार होकर के आज पता नहीं कहां का रास्ता वो ले रहे हैं। अगर एनडीए में जाना ही था तो फिर हम महागठबंधन में आए थे क्यों, तो पहले बताइए। हम अगर रहते अभी समय था, यहाँ और वहाँ दोनों की सरकार है, अगर काम करने की बात है तो सैकड़ों काम कर लेते, कार्यकर्ताओं को और निगरित करते, जिला और कंस्टिट्यूंसी को ठीक रखते, फिर आए थे यहाँ क्यों? आए तो सिर्फ और सिर्फ लालू जी की इच्छा और लालू जी को सबल बनाने के लिए आए थे। तो आज वही प्रक्रिया में आज भी हम लोग हैं कि लालू जी को हम लोग सबल बनाना चाहते हैं, इसीलिए अगर कोई एक दिन में आ गया और उसको 10 सीट दे दीजिएगा और जीतन मांझी को कहिएगा कि आप उससे कम में रहे तो कैसे रहेगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा? सर अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब पहले हम कह दिया है कि एक सीट की बात आ रही थी, एक सीट की बात होगी तो आज तो परिदृश्य बदली है। आज तो हमारे लोग कहते हैं कि भाई एक सीट देंगे या 2 सीट देंगे या 10 सीट देंगे माने नहीं रखता, माने ये है कि कुशवाहा जी से हमको ज़्यादा सीट मिल रही है। अगर नहीं देती है महागठबंधन, अब वो आप फिर बैठेंगे, हम लोग 18 को बैठ रहे हैं, फिर आखिर वजह क्या है कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बात नहीं बनी? आप कह रहे हैं कि हमको उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको मिनिमम से सीट मंजूर नहीं होगा, अब तो क्या ये टकराव कब तक रहेगी? बात तो हो रही है, बात हो रही है, विचारों का ये हो रहा है, अब विचार में बात होते होते ना कुछ बातें होगी। सम्मानजनक का मतलब क्या है? किसी को सम्मानजनक 10 सीट में भी नहीं है सम्मानजनक, कांग्रेस 19 सीट मांग रही है, तो आप सोच रहे हैं कि 19 सीट मिलने वाला है क्या? तो उसी प्रकार से सब लोग कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि सब आपस में बैठ कर के बात करेंगे, और वो बात बहुत नज़दीक में शुरू होने वाली है, और हम समझते हैं कि हर हालत में विधानसभा जो हम लोग का चल रहा है सत्र, इस पीरियड में कहीं ना कहीं मूर्त रूप ले लेगा। आज हमारे लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लिए आज से आने वाले 18 तारीख तक बहुत इम्पोर्टेंट समय है संगठनात्मक दृष्टिकोण। आज हमारी 2 बैठक, एक बैठक है हमारे जो सिविल कास्ट कोषांग है उसके जितने भी यूनिट हमारा कायम है वो सभी यूनिट के प्रमुख अध्यक्ष लोग, सदस्य लोग और आम लोग भी आए हैं, उनकी बैठक चल रही है, क्या हम लोगों को करना है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बैठक कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं हम लोग, कोर कमेटी में पहले 13-14 थे, अभी हम लोग 18-19 आदमी आ गए हैं, और 18-19 आदमी वहाँ पर हम लोग बैठे हैं, विचार हम लोग कर रहे थे। ये जो विगत दिन में जो सिचुएशन हुए हैं इस्तीफा का और एक दूसरे पर पार्टी के खिलाफ कुछ बात करने का, तो उसमें निर्णय लिया गया कि लोगों का जो इस्तीफा देने का है उसको स्वीकार हम लोग करेंगे, और स्वीकार करने के बाद सीट शेयरिंग का भी मामला पर बात चल रही है। सब लोग मीडिया के माध्यम से जो समय समय पर आ रहा है न्यूज कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को एक सीट है तो कोई कहता है कुछ, इस पर हमारे सभी कोर कमेटी के लोग बहुत रोष में और चिंता में भी कि आखिर ये कहाँ से आ जाता है। सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई यही है कि अभी हम लोग महागठबंधन में कोई फाइनल रिजल्ट पर आए नहीं, और लोगों का यही कहना है कि महागठबंधन में जीतन मांझी आए यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर आया, उस समय लालू जी गुर्बत में थे और असेंबली का चुनाव होना था, तो वो पार्लियामेंट का चुनाव होना था उस चुनाव, और दोनों में उनको आवश्यकता थी जीतन मांझी का, और जीतन मांझी बिना शर्त के उस समय आ गए, और देखा गया होगा कि जहानाबाद में और अररिया में जीत हुई और काफ़ी बड़ी जीत हुई, और ऐसा लगा
कि साहब उनको एक आधार मिल गया है। तो आज अगर इस तरह की बात कहीं से आती है तो इस पर सब लोग रोष में हैं कि शायद भूल गए हैं लोग क्या कि जब हम लोग का इतना महत्वपूर्ण समय माना गया और हमने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तो आज कहाँ से बात आ रही। जरूर जिन लोगों का एलिगेशन है कहीं न कहीं लगता है कि महागठबंधन के कोई लोग कहीं आप लोगों से कह देते होंगे तो ये जानबूझ करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का या फिर और तरह की बात करने के लिए साजिश है जिससे तहत ये बात आ रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सब लोगों का कहना है कि सम्मानजनक सीट हम लोगों को मिले और सम्मानजनक सीट में स्थिति है। हर हालत में लोग कहते हैं कि अभी कुशवाहा साहब आए तो कुशवाहा साहब अगर ठीक ढंग से वहाँ रहते और इनको स्थान मिलता तो निश्चित रूप में वो एनडीए में रहते। आखिर वहाँ से वो चले आए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आकर के कोई बहुत बड़ा महागठबंधन में योगदान दे दिए सो बात नहीं है। योगदान देंगे कि नहीं देंगे वो समय बताएगा लेकिन अभी वो अहमियत नहीं होनी चाहिए जो जीतन मानी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। उसी प्रकार से मुकेश सहनी का भी है वो भी क्या क्या बोल जाते हैं। तो हमारा कहना है कि कोई क्या बोले क्या शेयर मिले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सभी कोर कमेटी के सदस्यों हम महागठबंधन में जो अभी आए हैं कुशवाहा साहब और मुकेश सहनी जी। तो मुकेश सहनी की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन हमारे लोग कहा किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा साहब से नीचे सीट पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ये मेन बात आज भी है जो हम आपसे कहा है और इसके लिए अधिकृत किया गया है कि हम लालू जी से बात करें। हम लालू जी से कुछ दिनों में जाकर के बात करेंगे और ये भी है बहुत सारी बात है जो विकल्प की बात भी आती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो विकल्प पर भी अगली बैठक में हम लोग विचार करेंगे। इस पर भी एक हिंट आया है कि हम लोग इसको विचार करेंगे। हम लोग किसी के बंधुआ नहीं हैं।